Times Media. सर, ये बोकारो का आपका पहला दौरा था, बोकारो स्टील प्लांट जी, कैसा लगा यहाँ पर, कैसा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि स्टील पूरे देश की रीढ़ है और माननीय मोदी जी ने जो नए भारत के निर्माण का जो नारा दिया है, जो सपने देखा है, वो बगैर स्टील के संभव नहीं होता क्योंकि सारा स्टील, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कहीं आधारित है तो स्टील के आधारित। माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका कुशल नेतृत्व है कि अब लगभग सारी इकाइयाँ फायदे में आने लगी है, हमारा स्टील सेक्टर मजबूत हुआ है और देश में जो प्रधानमंत्री आवास है या रेलों के नए पथ बन रहे हैं या मेट्रो बन रही है और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इससे स्टील क्षेत्र में नया उछाल आना है, नया बूम आना है। निश्चित रूप से वो देश के लिए सहयोगी होगा। चूँकि मैं इस्पात और माइंस की कोल कमेटी का चेयरमैन हूँ और इसलिए स्वाभाविक था कि मैं बारीकी से यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ के वर्क कल्चर को, यहाँ के कर्मचारियों की समस्याओं और उनके समाधान को क्या हो सकता है इससे देखूँ, तो आज मैंने बारीकी से निरीक्षण किया था उसी में। सर, एक चीज और, अभी तो आप काफ़ी दौरे पर हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट अभी के सिचुएशन में क्या रैंकिंग देते हैं, क्या लेवल पर है सर? देखिए, अभी जो उनका निर्धारित करीब 50 जो मिलियन टन है उसको लगभग पूरा करने जा रहे हैं और ऐसी दृष्टि में जो अपेक्षा उनसे है, मतलब दूसरी भी समस्या रहती है, उनको आयरन ओर मिल रहा है, उनको कोकिंग कोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको रेलवे के रेक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं भी निर्भर करती है कि वो कितना अपना उत्पादन दे पाएँ। फिर भी जैसे अब नए ट्रैक लंबे समय से डले नहीं थे, हम सब जानते हैं कि हमारी रेलें 150% अतिरेक पर चल रही थी, अब मोदी सरकार ने नए ट्रैक बनाना शुरू किए हैं, डेडिकेटेड ट्रैक बनाना शुरू किए हैं और उसका परिणाम है कि बहुत जल्दी हम इन सब को, जो स्टील उद्योग को आने वाली परेशानियां उसको दूर कर सकेंगे। चाइना का जो माल आता था वो लगभग रोक दिया है सरकार ने, ऐसी स्थिति में जो हमारा देश का बड़ा पैसा बाहर चला जाता था वो नहीं जाएगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सर, पैसा तो रोक रहे हैं, तो आपके साथ जो भी कर्मचारी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं जो आपके साथ मिल के आगे बढ़े? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी स्टील उद्योग में लगे हुए लोग हैं वो देश निर्माण का काम कर रहे हैं और उसे इसी तरह भक्तिभाव से करें, यही मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। द टाइम्स मीडिया।